दोस्तों यामाहा के पवेलियन यानी कि भारत मोबिलिटी 2024 में यामाहा फसिनो 125 तो खड़ी है, नए कलर्स के साथ मैट फिनिश है और आपको गोल्डन एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। फसिनो ऐसे प्रॉपर गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये वही इंजन है जो कि यामाहा फसिनो में लगाया गया है, हाइब्रिड इंजन है और यही सेम इंजन इसमें मिलता है यामाहा की रेज़ ZR 125 में। ये भी स्ट्रीट रैली एडिशन है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। भाई क्या बढ़िया, क्या गजब की बाइक लगती है। देखो ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। इंजन भी बढ़िया है, हाइब्रिड इंजन है, मतलब इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है जिसके चलते फ्यूल की खपत ना कम होती है, आपको बढ़िया माइलेज देती है यार। ठीक है, अब देखो इस इंजन के साथ आपको फसिनो भी मिल जाती है, यामा रेज़ियर भी मिल जाती है और इसी इंजन के साथ आपको तीसरी बाइक जो मिलेगी वो है ग्रैंड फिलानो। अब ये जो स्कूटर आप देख रहे हो, स्कूटर आप देख रहे हो, सिंपल सा स्कूटर है, हालांकि कंपनी के पास ऑलरेडी फसिनो है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा स्कूटर है, सेम इंजन के साथ आएगा, सेम पावर ट्रेन के साथ आएगा। फीचर्स वगैरह थोड़े से अलग हो सकते हैं लेकिन सीटें वीटें थोड़ी सी और कंपनी ने ये जो है अलग रखी है और ये काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। इसीलिए कॉन्सेप्ट है, कब लॉन्च करेगी कब नहीं करेगी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये हेडलाइट मिल जाती है, एलईडी है, यहाँ पर एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं, यहाँ बीच में भी आपको एलईडी डीआरएल दिया जा रहा है, सॉरी ये डीआरएल नहीं है, इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। एप्रॉन बढ़िया मिलता है, ब्लैक कलर का है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बाकी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, एबीएस भी दिया गया है, सिंगल चैनल एबीएस भी है भाई। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये जो बैजिंग दी है काफ़ी बढ़िया प्यारी सी नज़र आ रही है। इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लाइट और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, कीलेस एंट्री होगी इसमें, कीलेस इग्निशन होगा, यहाँ स्विच के जरिए आप इसे ऑन ऑफ कर पाएंगे। फ्यूल खोलने का बटन, सीट खोलने का बटन, फ्यूल फिलर कैप इधर है और यहाँ पर ये दिया चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का जिससे आप फ़ोन चार्ज कर पाएंगे। i3s यानी कि इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, ये हॉर्न है और यहाँ पर ये मीटर वगैरह मिल जाता है, मीटर वगैरह अभी चालू करके नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। खैर ये आपको प्रॉपर यहाँ डिजिटल मिलता है, यहाँ पर भी डिजिटल ही दिया गया है और यहाँ काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल जाती है। नीचे की तरफ ये ऑडोमीटर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, स्विचेस वगैरह दिए गए, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के नज़र आते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी, ये है यामाहा का NMAX 155 कनेक्टेड, जी हाँ कनेक्टेड स्कूटर है ये और इसमें यामाहा एरोक्स वाला इंजन लगा है। अब यामाहा एरोक्स में भी ना जो इंजन है वो पता है कौन सा है, वो है बेसिकली यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, 155cc का इंजन है, VVA इंजन है और वो वही इंजन है जो कि आपको यामाहा की R15 में मिलता है। R15 वाला इंजन एरोक्स में मिलता है और इसमें ये मैक्सी स्कूटर में मिलने वाला है। अब NMAX 155 बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगा, गियरलेस स्कूटर है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ मीटर दिया गया है और यहाँ पर सेम वही कीलेस इग्निशन मिल जाता है, फ्यूल सीट वगैरह ये स्विचेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सेम स्विचेस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है, बड़ी सी सीट दी गई है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया लगता है, डुअल चैनल ABS के साथ है ये NMAX। अब यहाँ पर ये आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, टेल लाइट के साथ साथ ये आप सस्पेंशन देख सकते हैं, आपको सिंगल नीड डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ग्रैंड नज़र आ रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये स्कूटर। बाकी यहाँ पर आप देखो फ्यूल टैंक सेम यहीं पर है, बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लू कोर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये यामाहा का NMAX 155 कनेक्टेड फीचर से साथ आएगा, ओबीसी बात है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इस स्कूटर में मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो थी सारी यामाहा की स्कूटर्स की फ्लीट जो कि आपको भारत मोबिलिटी 2024 के दौरान दिखाई है।